इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th की मैथ के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसको हमें क्या करना है, उसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि उसका इन्वर्स निकालना है हमें, ठीक है। यानी कि हमें इसका क्या करना है, फाइंड ए इन्वर्स हमें यहाँ पर इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ए इक्वल टू होता है हमारा आई ए, ठीक है। तो ए की प्लेस में जो मैट्रिक्स है वो लिख दो, 2 1 1 1, यही तो मैट्रिक्स है। आई की प्लेस में आई यानी कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 1 0 0, ये होती है हमारी आइडेंटिकल मैट्रिक्स। और इस ए को एज इट इज यहाँ पर लिख दो। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को जो हमें ए दे रखी थी, इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाना है। और जो भी हम इस, जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे हो यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा होगा, तो जैसे कि हम इसमें रो को चेंज करते हैं वैसे करना है, ठीक है। यानी कि हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है, यानी कि जो भी हमारा जो कॉलम है, अगर जो भी हमारा सही बन गया, यानी कि अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होती है, 1 1 0 0, है ना, 2 बाई 2 की यही तो है। तो यानी कि हमें यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर पहले से ही 1 है, और यहाँ पर 0 0 और चाहिए, ठीक है। तो जो भी हम इसमें चेंजेस करके इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाएंगे, तो वो क्या होगी, इसमें भी चेंजेस होगा, वही चेंजेस होंगे, तो ये होगा फिर हमारा आंसर, ठीक है। सिंपली आपको यही समझना है कि आपको उसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाना है और आपका आंसर सही आता जाएगा। अब इसको देखो, आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं क्या करूँ, जैसे कि मैंने ले लिया R1 मैंने ले लिया, तो देखो यहाँ पर 2 है, मुझे आइडेंटिकल मैट्रिक्स के हिसाब से मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, R1 - R2, इससे क्या होगा, R1 - R2, यानी R1 ये क्या है, पहला रो और दूसरा रो माइनस करना है, यानी कि 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं यहाँ देखो, यहाँ पर देखो पहले वाले में मेरा 1 आ गया, ठीक है। मैंने R1 में चेंज कराया, तो R2 वाली डिजिट को मैं एज इट इज़ लिख सकता हूँ यहाँ पर 0 1, ठीक है। R1 मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। अब देखो 1 - 1 1 - 1 है ना, R1 - R2, यानी कि 1 - 1 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। ये क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस हो, यहाँ पर इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स रहेगी नहीं, ठीक है। ये रहे आइडेंटिकल मैट्रिक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाना है। R1 - R2 यानी कि 1 - 0 1 ही आएगा, 0 - 1 - 1 आएगा, ठीक है। अब देखो हमारा सिंपल आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब हमें यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। यहाँ पर 0 कैसे आएगा, यानी कि तो R2 है नीचे वाली प्लेस, R2, लेकिन ऐसे 0 लाना है कि ये चेंज ना हो, ठीक है, इसको चेंज ना हो, तब यहाँ पर 0 लाना है। तो मैं क्या लिखता हूँ, R2 - R1 कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर R2 में चेंज करा है, तो R1 वाली लाइन तो एज इट इज़ रहेगी, 1 - 1। R2 वाली चेंज, R2 में क्या चेंज करा है, R2 - R1, यानी कि 1 - 1 0 होगा। इसको भी देख लेते हैं, 1 - R1 यानी कि 1 - 0 1 ही होगा। इसमें क्या होगा, 0 - 1 तो -1 आ जाएगा, 1 - और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ये होगा इसका आंसर, 1 - 1 - 1, ये मैट्रिक्स जो होगी हमारा, वो होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को अब समझ गए होंगे कि इसको हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाना है, इसको भी जो चेंजेस करेंगे हम, वो इसमें भी चेंजेस होते हैं, और यही होता है हमारा फिर फाइनल आंसर, ठीक है। इसमें सिर्फ एक दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर जो भी आपकी जो भी लाइन सेटिस्फाई हो जाएगी, उसको आपको चेंज नहीं होने देना है, कि ऐसा नहीं कि इस कॉलम को आप चेंज करने के चक्कर में, इस कॉलम को सही करने के चक्कर में इस कॉलम को बिगाड़ दो, नहीं, ठीक है। जो कॉलम आपका सही है उस कॉलम को सही कर रखना है, और दूसरे कॉलम को इस हिसाब से आपको सेट करना है कि वो दूसरा कॉलम जो है वो भी चेंज ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।